दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर अब गेम जो है पूरी तरीके से तब बदलती हुई दिख रही है जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच की जो लड़ाई है उसके अंदर घर वाले अपना ही जो एजेंडा है उसे सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उठी हैं वो है शेफाली पर। सिद्धार्थ शुक्ला शेफाली के पास जाते हैं और उन्हें दोगली औरत कहते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर पारस और उनके साथ साथ शहनाज भी उनका साथ देते हुए नजर आ रही है। लेकिन शेफाली को यहाँ पर दोगली क्यों कहा जा रहा है, इस पर बड़ा सवाल है। यहाँ पर शेफाली को इसलिए दोगला कहा जा रहा है क्योंकि सबको ये लग रहा है कि शेफाली एक ऐसी इंसान है जो कि इधर की बात उधर इसलिए कर रही है ताकि सिद्धार्थ और आसिम के बीच के रिश्ते और भी ख़राब हो जाएं और यहाँ पर वो अपना एजेंडा का झंडा जो है वो गाड़ सकें। लेकिन घर की डायनेमिक्स को देखते हुए साफ पता चलता है कि शेफाली ऐसा कुछ करती नहीं दिख रही, बल्कि यहाँ पर पारस के बारे में उन्होंने जितनी भी बात कही वो सब सच होती नज़र आ रही है। और इसी बीच शेफाली को यहाँ पर गलत बताया भी जा रहा है, जिस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल और पारस उनके साथ लड़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अब शेफाली जो है बहुत बड़ी गेम चेंजर बनने लगेंगी। सभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो घर के अंदर आई है उनके अंदर सभी को स्ट्रांग माना गया था, लेकिन अब तक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन के उभरा है वो है शेफाली जरीवाला, जो कि सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं, जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में बाहर काफ़ी कुछ कहा था कि वो जिस तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है वो उस तरीके के नहीं है, वो बहुत ही सरल टाइप के इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ही शेफाली के खिलाफ हो जाएंगे जब पारस सिद्धार्थ शुक्ला को उभर देंगे। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को ये लग रहा है कि वो सबको प्यादा बना के खेल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सिद्धार्थ शुक्ला प्यादे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और घर के अंदर महज एक मोहरे बनकर रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पारस उन्हें मैनिपुलेट करता दिख रहा है यह साफ पता चलता है कि अब जो है पारस की गेम स्ट्रांग होती जा रही है दिन ब दिन और आसिम इन सब चक्रों से बाहर निकलकर काफी खुश भी होंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है, शेफाली क्या सही में दोगली इंसान है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।